चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारी प्रमुख मांग MSP गारंटी और जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू, जो उनकी मांग पूरी होगा किसान उसे वोट देगा, ना कि वादों पर वोट देगा। तो हमारी ये मांगे सब पूरी, अगर ये ठीक होंगी तो उसी के पक्ष में रहेंगे जो किसान की बात करेगा। और जो जिन्हें अपनी गाड़ी किसानों पे चला दी उसको भी भाजपा ने टिकट दे दिया, इस वजह से किसान पूरा नाराज है। और जो इन्होंने विदेश से 100,000 करोड़ कर्जा ले लिया, या क्या मानिए कोई चाय का पैसा नहीं था तो कर्जा माफ किया, लेकिन किसान का भी कर्जा माफ कर सकते थे। और ये लोग एक वोट चोर पार्टी है, जहाँ पे भी वोटिंग होती है वहाँ कहीं ना कहीं उल्टा सीधा करके अपने आप को जितवा लेते हैं। CCA में आपका स्वागत है। हम अभी रामलीला मैदान में है। कई हजारों किसानों की आज संयुक्त किसान मोर्चा के बुलावे पर एक बहुत बड़ा हुजूम आया है यहाँ किसानों का। देश के कई कोनों से यहाँ किसान आए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पश्चिम यूपी के कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे पहले बात करते हैं। जी, आपका नाम? शोकिंदर चौधरी। शोकिंदर जी कहाँ से हैं? शामली। आप शामली से हैं शोकिंदर जी? आज यहाँ पर क्यों आए हैं? SKM के बुलावे पर आप लोग यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के बुलावे पर आए हैं, BKU टिकैत की तरफ से क्यों आए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? जो भी मांगे हैं, जो हमारी घोषणा करेंगे उसी आधार पर हम चलेंगे। ठीक है। MSP की एक बहुत मांग उठ रही है। आपका नाम साहब? मेरा नाम कपिल खाटियान है। कहाँ से हैं खाटियान साहब? मैं शामली से हूँ। शामली से आप भी हैं। तो क्या मुख्य मांगे आप लोग? अभी तो वैसे घोषणा होनी है, बट फिर भी जो संगठन के भीतर बात हो रही है। हमारी प्रमुख मांग MSP गारंटी और जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, ये हमारी दो मांग है, जिससे किसान खुशहाल हो जाएगा, उसकी फसल का रेट कंफर्म हो जाएगा। और उसमें मैं आपको बताऊं, अगर MSP लागू होता है उसे देश की जनता को फायदा होगा, क्योंकि जो बिचौलिया है कारपोरेट घराने जो आम जनता को भी खा रहे, जैसे कि लहसुन का भाव जब खेत में हो तो उसका 20 रुपये किलो, और जब वो बाजार में हो उसका रेट 250 रुपये किलो, ऐसा क्या है कि 12 गुना रेट बढ़ जा। आलू जब खेत में हो 3 रुपये किलो और जब बाजार में हो 15 रुपये किलो, तो बिचौलिया क्यों खा रहा? अगर रेट कंफर्म हो जाएंगे तो आम जनता को पता होगा मार्केट तक किस रेट में वो पहुँचेगा। मुझे आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आए हैं, पहले भी 13 महीने का आंदोलन रहा, 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय किसान यूनियन पश्चिम यूपी में जो बहुत मजबूत है, उसी के साथ जो इसका कहीं ना कहीं चुनावी या राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ जयंत चौधरी जी, वो तो अचानक भाजपा में चले गए हैं, उसका असर आने वाले चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखो जो मुद्दे हैं किसानों के वे जस के तस हैं, वे चले गए, वे अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, वो उनका स्वयं का निर्णय है, ना कि वो किसानों का निर्णय है। आप किसान की जो मांग है उससे कोई प्रभावित नहीं होने की, वे चले गए। हम तो उनसे भी यही अपील करते हैं कि किसानों की मांग उठावें, और अगर वे सरकार में शामिल हुए तो किसानों के मुद्दे वहाँ भी रह कर उठावें। वे बड़े जाट नेता के जो है घराने से आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, उनकी आवाज़ में दम है, तो किसानों की बात करें। अगर वे किसानों की बात नहीं करते कहीं ना कहीं किसान राजनीति में हल्कापना होगा। लेकिन जो इतना बड़ा आंदोलन रहा, 13 महीने सरकार मतलब किसान सड़कों पर रहे, अभी भी वहाँ शंभू बॉर्डर और किन्नौरी बॉर्डर में कुछ किसानों की फिर से शहादत हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार का कोई खास रवैया बदल रहा है किसानों के प्रति? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव आने वाले हैं पश्चिम यूपी में और पूरे देश में, उसका आपको क्या लग रहा है, किसान कहाँ रहेंगे इस चुनाव में? नहीं, किसान अपनी मांगों पर रहेंगे, और जो उनकी मांग पूरी होगा किसान उसे वोट देगा, ना कि वादों पर वोट देगा। वादे तो ये थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल कर दी जाएगी, उन्हें उनके हक दिए जाएंगे, कई कुछ दिनों में। और ये जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये इस कमेटी में थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने खुद सिफारिश करी थी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। क्यों नहीं हुई? हुआ, ये खुद प्रधानमंत्री है, पर नहीं, ये कारपोरेट घरानों के हिसाब से चले और उसके हिसाब से नीति लागू हो। हम इसे प्रधानमंत्री नहीं मानते, जो नीति अपनी खुद की लागू नहीं कर सकते, अपनी कही जबान को नहीं पुगा सकते, तो कैसे नाम मान ले प्रधानमंत्री जी? ये बताइए, मुख्य मांगे तो साहब ने रख दी है यहाँ, लेकिन अभी मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें क्या असर हम चुनाव में देखेंगे? जो किसान के हक की बात करेगा किसान उसके पक्ष में जाएगा। अब चुनाव नज़दीक आ रहा, किसानों की मांग है, अगर किसानों की मांग ये पूरी करते हैं भाजपा वाले तो इनके साथ हो जाएगा। और ये वो OMSP स्वामीनाथन रिपोर्ट, कितने ही मुद्दे ऐसे थे जो 13 महीने तक वहाँ रहे, जो इन्होंने वादे किए थे लेकिन वो पूरे नहीं किए, अब तक भी हैं।
किसानों के मुकदमे हैं, वहाँ जो किसान मारे गए थे, गाड़ी से कुचल दिए गए थे, वहाँ उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारी ये मांगे सब पूरी, अगर ये ठीक होंगी तो उसी के पक्ष में रहेंगे जो किसान की बात करेगा, और नहीं होते नहीं नहीं होते तो अपने हिसाब से जैसा भी होगा वो देखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा कहाँ कैसे करना है। ठीक। किसानों को सबसे बड़ी मुसीबत भाजपा से यूं हुई है, भाजपा के वोटर है किसान, को ऐसे भाजपा से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्होंने किसानों ने सरकार बनाई और किसान भाजपा को वोट देता, लेकिन किसानों के हत्यारे 750 किसानों के जो हत्यारे हैं उसा, और जो जिन्हें अपनी गाड़ी किसानों पे चला दी उसको भी भाजपा ने टिकट दे दिया, इस वजह से किसान पूरा नाराज है। किसान के ऊपर जो टेनी की बात कर रहे हैं, टेनी की बात कर रहे हैं हम लखीमपुर वाले की, उसे भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए, किसानों का हत्यारा है। अगर किसानों की बात करती है सरकार तो उसका टिकट कैंसिल करे। आप ये बताइए ये आंदोलन कब तक चलेगा? MSP की मांग पर फिलहाल तो लग रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से और मीडिया की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई ये तो अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि सरकार की मंशा है MSP पर मानने की, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तो ये बताया कि चलते ही रहेंगे, किसान की मांग है, और आज के टाइम में तो सरकार का ये रवैया है जो भी सरकार से सवाल पूछता है वही या तो आतंकवादी है या खालिस्तानी है या एंटी टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, वो देश के मतलब जो इनकी लैंग्वेज में तो केवल जो राम मंदिर पे BJP में है वो तो पाप से धुला हुआ है, उस पार्टी में जो भी आ गया वो ऐसी पवित्र गंगा बन गई है BJP कि सारे पाप धुल जाते हैं उसके अगले दिन ही, सारे मुद्दे खत्म, सारे पाप खत्म। ना सच्चाई तो US में जो भाजपा का कार्यकर्ता वो भी दुखी है, ना ED आवे उसके यहाँ, ना CBI आवे, ना कुछ आवे, उन्हें ये टिकट दे रहे जो दूसरी पार्टी जो किसी कारण से जो लोग जिन्हें यही भाजपा वाले लोग ही खत्म होती जा रही है, जिसकी बुराई करते थे ना जिस नेता की, अब उसी को पार्टी में लाकर टिकट दे रहे, इनका नारा कोई तीन ईमान भाजपा वालों का। आप कहाँ से हैं? लोनी गाजियाबाद से। ठीक है, तो बड़े नेता किसानों के तो अब भाजपा के साथ चले गए पश्चिम UP में, जयंत जी। नहीं, वो सब एक प्रेशर की तो राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं, या तो आ जाओ नहीं तो कल को ED और CBI आ रही है, ये सब अब तुम्हें टिकट भी दे देंगे और तुम्हें मंत्रालय भी दे देंगे। 1% भाजपा की सरकार चली गई तो सब उजागर हो जाएगा, 6 महीने विपक्ष के हाथ में सरकार अतवार सब उजागर हो जाएगा। 1% जा सकती है मतलब? नहीं चली, सुनो हमारा तो मानना ही है कि आप सरकार जा रही, अच्छा। क्योंकि इन्होंने ना किसानों की सुनी, ना व्यापारी की सुनी, इन्होंने चंद कारपोरेट घरानों की सुनी, हम तो ये मानने के जा रही, ये 200 सीट कवर नहीं करते, 303 थी ये बिहार उत्तर प्रदेश ही ना रहा था, कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा पंजाब। आप एक आपका नाम सर? फुरकान जी। कहाँ से हैं फुरकान जी? शामली से, युवा जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकट से। ठीक है, तो यहाँ आने का क्या मकसद है? यहाँ आने का भाई यही है किसानों की मांग पूरी करो, MSP मुख्य रूप से। हाँ जी। ठीक है, किसान आपके शामली मुजफ्फरनगर में 8 साल नहीं अब तो 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटा था, बड़ा किसान आंदोलन हुआ, गले मिले सब लोग, लोटा नून भी हुआ था, लोटा नून करने वाले तो खैर वहाँ BJP में चले गए, लेकिन क्या अब वो एकता बनी रहेगी किसानों की धर्म जाति के आगे ऊपर उठ के? नहीं, किसान जो है उसमें कोई जाति धर्म नहीं होता, किसान की एक बिरादरी होती है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है, उसकी कोई जाति नहीं होती। सरकार अगर कोई यूँ जहर जातिवाद का डालना चाह रही, धर्म का डालना चाह रही, किसान के आगे वो नहीं चल पाता। नहीं देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो एक ट्रायल था और उसमें इनकी फसल होगी 12 मणि 14 मणि, तो उस पे ये बार बार ट्रायल करते रहेगा इसी बीज को, वो नीति जो है वो बीज वहाँ से उसकी शुरुआत हुई और जो 12 मणा 18 मणा निकल गया। आप कह रहे हैं वहाँ से उनका ये प्रयोग शुरू हुआ? हाँ, तो क्या प्रयोग खत्म होगा वहाँ इस बार? नहीं, हर बार उनका मुद्दा ही है, इससे अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जो चुनाव आयुक्त है उस पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक उसका मेंबर होता था, एक विपक्ष का वो होता था, एक प्रधानमंत्री होता था, अब प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया, ED को पूरी तरह से काफी हद तक अपने काबू में, मतलब CEC पे भी एक तरह का ED नहीं मतलब सॉरी इलेक्शन कमीशन को ही एक तरह का कैप्चर कर रहे हैं। आज उसकी नियुक्ति के लिए मीटिंग बुला रखी है और जिनकी 2 वोट हो जाएंगे वो जिसको चाहेंगे उसको बना लेंगे,
और जो जिसको वो लाएंगे वो उनके हिसाब से काम करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कल उसकी भी डेट है, तो उसमें देखते हैं कि सीजेआई उसको लोकतंत्र को जिंदा रखने में, क्योंकि कई मामलों में उन्होंने किया है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे चंडीगढ़ का वो किया है, 12 वोट वाला इन्होंने जिता दिया, 20 वाला हरा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे इन्होंने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र को अगर मजबूती से बचा सकता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये लड़ाई आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं किसानों की जो लड़ाई है आज विस्तार रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी बचाने की एक लड़ाई, नहीं हमारी जो ये जो किसानों का संघर्ष है आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र को भी बचाने का संघर्ष है। आपका नाम? अब किसान ही बोल रहा है, इस देश में सबसे बड़ी समस्या युवा, विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा, जो विपक्ष का काम है वो काम किसान कर रहा, किसान को क्या जरूरत है सरकार की अवहेलना करने की, अगर विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि विपक्ष वाले बड़े बेईमान है, वे डर है इसमें मिलने लग रहे हैं, अगर इन्हें डर नहीं है तो क्यों आ रहे भाजपा में ये लोग, ये जो कह रहे ठीक है ये लोग भी तो डरियाए आ रहे, क्योंकि इन्होंने भी गलत काम कर रखे हैं, और इसमें आके जो भी आदमी है ये जो पाक साख हो रहे ना, ये कुछ दिन के लिए चेहरा छुप रहा है, वैसे मिट्टी सी डल रही है, साफ नहीं हो रहे, ये फिर भी पकड़े जाओगे, भाजपा की सरकार हमेशा न रहने की है। आपका नाम? सर जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं एटा से आया हूँ। एटा से आए हैं जी सर, पूर्वांचल से आए जी। हमारे देश का दुर्भाग्य आज 76 साल के बावजूद गुलामी बरकरार है, किसानों की आय दूनी करने के चक्कर में किसानों का खर्चा तो दूना कर दिया, बीज महंगे मिल रहे हैं लेकिन उसका रेट दूना नहीं किया, लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इन्होंने विधायक और एमपी की तनख्वाह दूनी कर दी, उनके खर्चा दूना कर दिए, देश में कितना लॉस पड़ा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई लबड़ामेंट नहीं है देश के अंदर, और जो इन्होंने विदेश से 100,000 करोड़ कर्जा ले लिया, या क्या अंबानी के कोई चाय का पैसा नहीं था जो कर्जा माफ़ किया, लेकिन किसान का भी कर्जा माफ़ कर सकते थे, पूरे देश के किसानों का 76 लाख रुपए माफ़। आप एटा से हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में मतलब चुनाव आ रहे हैं, क्या उसका कुछ असर देखेगा किसान? सर जी, यदि ईमानदारी से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से तो इनको कोई जिता नहीं सकता है, और बेईमानी से कराएंगे तो कोई हरा नहीं सकता। भाई अभी बीजेपी में हुआ है, हारे हुए कैंडिडेट को डीएम ने उनको दे दिया सर्टिफिकेट, लड़ते रहो मुकदमा, उसकी इतने उसका पीरियड निकल जाएगा, इतने मुकदमे का हल नहीं होगा। ठीक तो सरकार के तानाशाही के हिसाब से और उन्हीं अधिकारियों को उनको नियुक्त करती है जो उनके अनुसार काम कर दे, ये बागपत में और उसमें खुलेआम हुआ, उसके खिलाफ तो बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था, कुछ नहीं, जीरो रह गया, चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया, लड़ते रहो 5 साल। अब जनता कहाँ से हो जी? तो लोग मैं जालौन से हूँ, उदय यादव गिधवा से, और ये लोग एक वोट चोर पार्टी है, जहाँ पे भी वोटिंग होती है वहाँ कहीं ना कहीं उल्टा सीधा करके अपने आप को जितवा लेते हैं, जैसे कि जीते जीते चुनाव को अपने नाम पे उनने निकलवा दी पत्र वगैरह और हो गया उनका, यही चलता है, जैसे कि आपने अभी वहाँ पे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन वगैरह में भी देखा होगा और भी इलेक्शन हुए, सब जगह पे वोट चोरी करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, हम अभी यहाँ पर रामलीला मैदान पर हैं दिल्ली के, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर किसानों का हुजूम आया हुआ है, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी और अन्य राज्यों से भी, हज़ारों हज़ारों किसान यहाँ आज आए हैं, एमएसपी की अपनी मांग, उसके साथ भी और भी मांगे हैं लेकिन मुख्य रूप से एमएसपी की मांग को लेकर यहाँ पर किसान आए हैं। वो 13 महीने का आंदोलन यहाँ किसान कह रहे हैं हम अभी तक भूले नहीं हैं, सरकार जिसकी भी हो लेकिन अपने मुद्दों पर किसान अडिग रहेंगे। जुड़े रहें आप सीसीए के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।